समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता को गुजरे हुए 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 9 जुलाई के दिन गुरुग्राम के मैदानता हॉस्पिटल में साधना गुप्ता ने अंतिम सांस ली। साधना गुप्ता के गुजर जाने के बाद पूरा ही यादव परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है, एक दूसरे का सहारा बना हुआ है। मुलायम सिंह यादव का सहारा बने हुए हैं उनके दोनों ही बेटे अखिलेश यादव, प्रतीक यादव और दोनों ही बहुएं अपर्णा विष्ट यादव और डिंपल यादव। इसी बीच अपर्णा विष्ट यादव सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने दिल की बात भी लिखती हुई दिखाई दे रही हैं। साधना गुप्ता के गुजर जाने के बाद अपर्णा ने एक लेटर भी लिखा था और उस चिट्ठी में साधना गुप्ता को उन्होंने न सिर्फ अपनी सासू माँ कहा बल्कि अपनी सखी भी कहा था। पल पल उन्हें याद करती हैं और अब अपनी जेठानी डिंपल यादव से हटकर उन्होंने एक बड़ा और नेक काम किया है। सोशल मीडिया पर अपर्णा ने कुछ तस्वीरों को शेयर किया है और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने खुलासा किया है पूजनीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती साधना गुप्ता जी की स्मृति में वाटर कूलर एवं सिलाई मशीन का लोकार्पण सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज अंबरगंज और ठाकुरगंज ब्रांच लखनऊ में किया। इस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव ने यहां पर खुलासा कर दिया है कि उन्होंने अपनी स्वर्गीय सासू मां साधना गुप्ता की याद में क्या कुछ किया है। 23 अगस्त के दिन उन्होंने यहां पर उद्घाटन किया और यहां उन्होंने अपनी खुशी को भी जाहिर किया है। वहीं बात की जाए डिंपल यादव के बारे में, डिंपल यादव भले ही कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन डिंपल यादव अपनी सासू माँ को पल पल याद करती हुई नजर आती हैं। मालूम हो कि मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं अखिलेश यादव और हमेशा ही साधना गुप्ता से दूरी बनाते हुए रहते हुए नजर आए, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मुलायम सिंह यादव का सहारा बने हुए हैं चारों ही बच्चे। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।